أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अच्छा, आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे एटीट्यूड, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसी क्लास में इसी को मैं कवर कर लूँ. ठीक है, ज़िग ज़िग्लर कहता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कि एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड व्हिच डिटरमिन योर एल्टीट्यूड. ठीक है, तो एटीट्यूड को थोड़ा हम पढ़ते हैं कि एटीट्यूड बेसिकली है क्या. बेसिकली अगर हमें एटीट्यूड को देखें तो इसका ताल्लुक आपकी जो अफेक्टिव डोमेन है, जो आपकी फीलिंग है उनके साथ, प्लस आपकी जो मेमोरी और आपकी जो कॉग्निशन, हमारा जो एटीट्यूड है वो ही बनता है. ठीक है, और जब बहुत से एटीट्यूड जमा हो जाते हैं तो उससे हमारा फिर बिहेवियर बनता है. ठीक है, अच्छा, एटीट्यूड क्या है? इन साइकोलॉजी, एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट दैट इज मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी. ठीक है, एक मेंटल भी है और इमोशनल एंटिटी भी है. मतलब एक मेंटल का ताल्लुक चूंकि जहन से है और इमोशनल का ताल्लुक जो है स्पेसिफिकली वो हार्ट से है, दिल से है, फीलिंग से है. ठीक है, तो मेंटल मीन माइंड, ठीक है, और इमोशनल मीन हार्ट और फीलिंग, अफेक्टिव डोमेन. ठीक है, तो कहते हैं मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी दैट इनहेयर्स और कैरेक्टराइज अ पर्सन देयर एटीट्यूड टू अप्रोच टू समथिंग और देयर पर्सनल व्यू ऑन इट. ठीक है, स्पेसिफिकली जो ब्रॉड हम इसको लिटरली कह सकते हैं कि एटीट्यूड इज अ पर्सनल व्यू ऑफ समवन अबाउट समथिंग. ठीक है, जो पर्सनल व्यू होता है किसी भी बंदे का किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं. अच्छा, एटीट्यूड इन्वॉल्व देयर माइंड सेट, कि किस तरह आपका माइंड सेटअप है किसी चीज को देखते हुए या किसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए. जो आपका माइंड सेटअप है उसको हम क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं. आउटलुक मतलब फिजिकली जो आपका आउटलुक है, दिस इज अगेन शो योर एटीट्यूड, क्योंकि जो आपका आउटलुक है इट्स अगेन डायरेक्शन देता है आपके आउटलुक एंड फीलिंग्स. ये तो जाहिर बात है, जो आपके फीलिंग्स है वही आपकी एटीट्यूड है. तो एटीट्यूड को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फीलिंग देन एक्टिंग. जब आप फील करते हो फिर उसके बाद एक्टिंग करते हो, दैट्स मीन दिस इज योर एटीट्यूड. जब आपकी एक्टिंग के साथ एहसासात और जब आपकी एक्टिंग के साथ आपके फीलिंग अटैच हो, दैट मीन दिस इज योर एटीट्यूड. और सिंपली इसको हम पर्सनल व्यू कहते हैं. ठीक है, अच्छा, मोस्ट सिंपली अंडरस्टूड एटीट्यूड इन साइकोलॉजी आर द फीलिंग्स इंडिविजुअल्स हैव अबाउट देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड. ठीक है, दो चीजें इसमें आती है कि एटीट्यूड के दो कंपोनेंट है, या तो अपने बारे में जो आपका व्यू है और जो आपका दुनिया के बारे में जो व्यू है, दोनों इसमें आ जाते हैं. अपने बारे में मीन इंट्रोस्पेक्शन टाइप ऑफ थिंग, के अंदर जान के किसी अपने आप को अंदर जान के देखना, दिस इज अगेन कमेंडर योर फीलिंग. ठीक है, एटीट्यूड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ पर्सन पास्ट एंड प्रेजेंट. ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट जितने भी इवेंट्स है वो सारे मिलके आपका एक एटीट्यूड बनाता है. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कर लीजिएगा रिजवान भाई. अच्छा, एटीट्यूड को हम मेजर कैसे करते हैं, इसके लिए स्पेसिफिकली जो स्केल्स यूज होते हैं, ब्रॉडली हम फोर स्केल्स यूज करते हैं, जो कि फर्स्ट इसमें है लिकर्ट स्केल. ठीक है, अच्छा, लिकर्ट स्केल जो है इसको हम समेटेड स्केल भी कहते हैं. समेटेड मीन के इसमें हम प्लस प्लस करते हैं, मतलब जो भी आंसर आता है उसी आंसर को हम कोडिंग देते हैं. फर्स्ट मतलब ये कि हमने एक ऐसा स्केल बना लिया कि जिसमें एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री और स्ट्रांगली एग्री, इसी तरह के हमने दे दिए ऑप्शन. तो हम क्या करते हैं फिर उसी की एक एक की हम, फॉर एग्जांपल 5 ने एग्री का आंसर दे दिया तो मतलब ये कि ये ऐड हो रहा है. ठीक है, 6 ने जो है डिसएग्री का आंसर दे दिया तो मतलब ये कि वो ऐड हो रहा है. ठीक है, तो इसी तरह इसमें हम समेशन करते हैं, इसीलिए इसको समेटेड रेटिंग स्केल भी कहते हैं. ये पेपर में आया हुआ है एक दफा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लिकर्ट स्केल, तो नीचे कुछ नेम्स दिए गए थे, उसमें समेटेड रेटिंग स्केल भी था, तो राइट आंसर जो था वो समेटेड रेटिंग स्केल था. ठीक है, अच्छा, इट इज मोस्ट वाइडली यूज सिंपल एंड यूनिडाइमेंशनल स्केल टू मेजर द एटीट्यूड सर्वे सर्वे एंड सर्वे रिसर्च. ठीक है, सर्वे रिसर्च का मतलब है किसी जगह पर जाना और वहाँ पर डेटा कलेक्ट करना थ्रू क्वेश्चनियर. तो जब आप जाते हो और वहाँ पर किसी का एटीट्यूड मेजर करते हो तो आप लिकर्ट स्केल को यूज कर सकते हो. मतलब उसमें आपने कुछ क्वेश्चन देने होते हैं फ्रॉम 1 to 5, ज्यादातर लिकर्ट स्केल में फ्रॉम 1 to 5 तक हम जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आप इसके साथ एग्री हो,
और इसके साथ आप स्ट्रांगली एग्री हो, और इसके साथ आप न्यूट्रल हो, और इसके साथ आप डिसएग्री हो और स्ट्रांगली डिसएग्री हो, ठीक है। तो इसी तरह के फाइव, ज्यादातर इसमें फाइव ही जो ऑप्शन होते हैं, फाइव नंबर तक हम जाते हैं और फाइव चीजें हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो लेकर स्केल जो है स्पेसिफिकली इसमें हम क्या करते हैं, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, स्ट्रांगली डिसएग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री एंड एग्री, ठीक है, या डिसएग्री, ठीक है। तो इसी तरह के जितने भी नीचे ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, एक अगर आप लोग देख लो तो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 5 ये लिखा गया है, तो ये एटीट्यूड स्किल का ही, लेकर स्किल का ही एक एग्जांपल है। अगर इसी साइड पे आप लोग देख लो, बैड, गुड, क्रूअल एंड काइंड, तो ये दोनों हमारे पास जो है फिर ये सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, ठीक है। तो इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अच्छा, फिर कहते हैं, अच्छा, रिस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू सिट अप वेदर ही आर शी स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। फिर होता है एग्री, एंड फिर होता है अनडिसाइडेड, मतलब न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो इस तरह के आपको पॉइंट्स दिए गए होते हैं और मुझसे उसमें से एक को आपने चूज करना होता है, ठीक है। अच्छा, स्कोर ऑफ ऑल वैल्यूज इज समड ऑफ मींस टोटल इज मेड फॉर एवरी स्टेटमेंट, तो इसे इसका एवरेज हम निकालते हैं, मीन हम निकालते हैं, ठीक है। मिनिमम वैल्यूज एंड लेकर्ट स्केल आर फाइव, पहले भी मैंने आप लोग को बताया कि जो सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है उसमें ज्यादातर सेवन वैल्यूज, सेवन नंबर यूज होते हैं, जबकि यहाँ पर जो वैल्यूज यूज होते हैं वो ज्यादातर फाइव ही यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज ऑप्शन एंड लेकर्ट स्केल आर नाइन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन नाइन भी लिखा गया है, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है और जितना पढ़ा है, तो फाइव ज्यादातर हम लेकर स्केल में ज्यादातर फाइव यूज करते हैं, और जो हमारे पास जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है, इसमें स्पेसिफिकली हम 7 to 9 वो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या है? अच्छा, ये तो आप लोग को समझ लग गई, कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई कंफ्यूजन? ओके जी। अच्छा, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का मतलब ये, देखो सिमेंटिक क्या है, एक है सिमियोटिक और एक है सिमेंटिक। सिमियोटिक का मतलब ये है कि सिंबल्स और पिक्चर्स जो आपको एक 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 मतलब मीनिंग दे, उसको हम सिमियोटिक कहते हैं। द स्टडी ऑफ पिक्चर्स आर द स्टडी ऑफ वी कैन से दैट सिंबल्स, उसको हम सिमियोटिक कहते हैं। एंड द स्टडी ऑफ मीनिंग, तो जब हम देखते हैं कि ये चीज क्या मीनिंग दे रहा है, उसको हम सिमेंटिक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल का मतलब यही है कि इसमें हम दो पोलर एडजेक्टिव यूज करते हैं, याद रखिएगा, दो पोलर एडजेक्टिव इसमें यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है इसमें सिफत, जिसको हम कहते हैं किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान करने को हम इसमें सिफत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है वो गुड है, दूसरा हम कह सकते हैं कि ये बैड है। तो ये जो गुड और बैड है, ये दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन बिल्कुल पोलर है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक साइड पे, एक एक्सट्रीम पे हम एक जो क्वालिटी होती है या एक एडजेक्टिव हम रखते हैं, और दूसरे पोलर और दूसरे साइड पे हम दूसरा जो एडजेक्टिव होता है उसका अपोजिट वही रखते हैं, और बीच में इसके डॉट 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 रखते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, जिस तरफ आपका झुकाव हो और जिस तरह आपने सिलेक्शन करनी है, अगर आप कहते हैं को मैंने ठीक है ये जो क्वेश्चन मीनिंग दे रहा है, तो मेरे ख्याल में इट इज बैड, ठीक है, तो आप बैड को टिक करते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं यार बैड तो है, लेकिन इतना तो बैड नहीं है, तो आप बैड से थोड़ा एक दो पॉइंट राइट साइड पे आके या लेफ्ट साइड पे आके, जिस तरह भी वो डिजाइन हुआ होता है, तो वहां पर आके आप क्या करते हो, फिर उसी ही डॉट को आप ठीक करते हो। तो इसी तरह जो डेटा कलेक्ट होता है, ये हम सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के जरिए ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, इट मेजर्स द क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ थिंग्स। क्वांटिटेटिव मीन मफहूम, मफहूम यहाँ पर मुराद है मफहूम, ठीक है, किसी भी चीज का मफहूम। क्वांटिटेटिव मीनिंग जब हम किसी चीज की मेजर करते हैं, उसको हम कहते भी सिमेंटिक ही है, ठीक है। तो इसको मतलब सिमेंटिक जो है, सिमेंटिक का मतलब यही है कि क्वांटिटेटिव मीनिंग ऑफ थिंग, ठीक है, इवेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। इंशाल्लाह ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर जो यूज हो रही है कि कॉन्सेप्ट किस फॉर अ स्पेसिफिक इशू आर फॉर अ स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। जब मुख्तलिफ आइडियाज आ जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट बनाता है, और जब मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट आके जमा हो जाते हैं तो हमारा एक थीम बनाता है, ठीक है। अच्छा, यूजेस पोलर एडजेक्टिव्स, जिस तरह मैंने पहले आप लोगों को कहा कि
इसमें हम पोलर ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं अपोजिट मीनिंग टर्म्स। पहले मैंने आप लोग को बताया कि अपोजिट मीनिंग टर्म इसमें होते हैं एट ईच इंट रिस्पोंडेंट इज आस्क टू रेट एन ऑब्जेक्ट बाय पुटिंग अ मार्क ऑन वन ऑफ द सेवन स्पेसेस। मैंने आप लोग को पहले भी कहा कि इसमें ज्यादातर सेवन ही स्पेसेस और सेवन ही ऑप्शन होते हैं इन ईच डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन भी होते हैं, वो यूनि डायमेंशनल था, यहाँ पर दो डायमेंशनल है, ठीक है। ये जो एक मिडल है ये अ टाइप ऑफ न्यूट्रल कंसीडर पर उसकी इंटेंसिटी। फॉर एग्जांपल बेड लिखा है, जिस तरह एग्जांपल में लिखा गया है डेमोक्रेटिक पार्टी, और नीचे भी एक क्रूअल और बेड, ये जो क्रूअल और काइंड, ये जो ये देखो बेड और गुड क्या है, ये तो पोलर एडजेक्टिव ही है, और क्रूअल और काइंड क्या है, ये भी पोलर एडजेक्टिव है। तो जब यहाँ पर दरमियान में जो है डॉटेड डॉट लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हो जो क्रॉस का लाइन है, मतलब ये कि ये इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मतलब ये कि इसी तरह आप लोग इसमें सिलेक्शन करते हो कि ठीक है ये तो काइंड है लेकिन इतनी काइंड नहीं है, थोड़ा काइंड से आप पीछे जाते हो। तो इसी को हम क्या करते हैं, दोनों साइड में हम इसमें जा सकते हैं, लेकिन वो जो लेकर्ट स्केल था उसमें हम यूनि डायरेक्शन सिर्फ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑल ब्लैंक्स आर नंबर्ड 1 to 7 एंड आफ्टर कंप्लीशन एवरेज ऑफ ईच डायमेंशन डायमेंशन एज डिटरमिंड डिफरेंट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, ठीक है। ये तो सिंपल है मेरे ख्याल में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई कमेंट, कोई सजेशन है तो शेयर कर सकता है। जी आवाज मेरी पहुंच रही है रिजवान भाई? आ रही है आपकी आवाज, मतलब सर भाई। अच्छा, ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट कर लीजिएगा। अच्छा, थर्स्टन स्केल। थर्स्टन स्केल एट मेयर फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड ऑफ पर्सन टुअर्ड डिफरेंट स्टेटमेंट। रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड टू रेट ईच स्टेटमेंट फ्रॉम 1 to 11 एवरेज ऑफ ऑल स्टेटमेंट एज डिटरमाइंड टू नो दैट एटीट्यूड बाय डिवाइडिंग द सम रेटिंग ओवर चेक्ड स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें हम इस तरह करते हैं थर्स्टन में कि कोई भी हम एक स्टेटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये दे दिया कि वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। आपके ख्याल में वॉट इज इन योर माइंड द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। फिर आपने पैराग्राफ दे दिए 11 तक, पैराग्राफ आपने दे दिए कि अच्छा टीचर वो होता है जिसका जिसकी जिसकी ये क्वालिटी हो, जिसमें इंटीग्रिटी हो। सेकंड ऑप्शन दे देते हो आपके, अच्छा टीचर वो होता है जो पंक्चुअल हो। फिर आप कहते हो कि अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास को मैनेज कर सके। फिर कहते हो कि अच्छा टीचर वो होता है जो डिसिप्लिन पे काम कर सके, डिसिप्लिन को काबू में रख सके। तो जाहिर बात है रिस्पॉन्डेंट ने एक ही चूज करनी होती है उसमें, ठीक है। तो रिस्पॉन्डेंट क्या करेगा, जाएगा और जो स्टेटमेंट उसको अच्छा लगे उसी स्टेटमेंट को क्या करता है, पिकअप करता है, वो स्केल ही कहते हैं। ये तो इजी है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पर। अच्छा, गटमैन स्केल और स्केलोग्राम जो है इसमें हम इस तरह करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 और 1 to 10 हमने नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आप 8 नंबर सेलेक्ट कर लो तो ऑटोमेटिकली जो 8 के नीचे जितने भी डिजिट है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने दिए है क्वालिटीज और ऑप्शन दिए है। तो अभी आपने 8वां नंबर सेलेक्ट किया तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 8 के साथ एग्री कर रहे हो तो 7 6 5 4 3 2 1 सारे सबके साथ आपने एग्री करना होगा। तो ये इसी तरह की स्टेटमेंट इन्होंने दिए हुए होते हैं जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर लो तो इसका मतलब यह है कि 1 एंड 2 के साथ आप स्ट्रांगली आर आप उसके साथ भी एग्री कर रहे हो। तो दिस इज गटमैन स्केल, ठीक है। इट इज कम इनटू एग्री और डिसएग्री दैट एस्टेब्लिशेस वन डायमेंशनल कॉन्टिन्यूम फॉर अ कांसेप्ट, ये भी वन डायमेंशनल है, ठीक है। यू विश टू मेजर रिस्पोंडेंट हु हैज एग्री विद एनी स्टेटमेंट एज इन द लिस्ट विल आल्सो एग्री टू द स्टेटमेंट। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इफ ही और शी एग्री टू द स्टेटमेंट नंबर 3 इट मीन ही एग्री विद स्टेटमेंट 2 एंड 1 आल्सो, ठीक है। ये तो मैंने आप लोग को समझाया, मेरे ख्याल में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई अच्छी बात, कोई कमेंट, कोई सजेशन हो तो शेयर कर सकता है, क्योंकि आगे हम जा रहे हैं। ये तो 4 जो स्केल थे ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकर स्केल, सीमेंटेड 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 सॉरी डिफरेंशियल सीमेंट सीमेंटेड स्केल, थर्स्टन स्केल एंड गॉटमैन स्केल स्केलोग्राम।
अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? सिराज भाई मौजूद हो आप? अच्छा जी, अच्छा, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पेसिफिक उन क्वालिफायर्स के लिए जिन्होंने एमपिल किया हुआ है। तो जब आप जाओगे इंटरव्यू दोगे तो ये जो टेक्निकल क्वेश्चंस है ये आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं कि आपने जो अपनी थीसिस की है उसका प्रपोजल क्या था या प्रपोजल के पार्ट क्या होते हैं, ठीक है, इस चीज का क्या मकसद है। तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, राइटिंग रिसर्च प्रो के माइंड का जो सेटअप है फॉर योर स्टडी, ठीक है, या फ्यूचर माइंड सेटअप, या फ्यूचर जो आपका स्केच है फॉर योर स्टडी, दिस इज कॉल्ड रिसर्च प्रोपोजल एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर अप्लाइंग फॉर रिसर्च डिग्री। अगर आपने एक रिसर्च डिग्री के लिए अप्लाई करनी है, यू विल नीड टू प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च, दिस मस्ट बी 5 to 10 pages लॉन्ग, ठीक है। पहले आप क्या करते हो, उसको अपने सुपरवाइजर को या जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है उसको आप क्या करते हो, एक प्रपोजल फॉरवर्ड करते हो कि ये चीज़ मैंने स्टडी करनी है और फिर इसी चीज़ में मेरे ऑब्जेक्टिव ये होंगे और जो मैं मेथडोलॉजी यूज़ करूंगा वो यही यूज़ करूंगा, जो मेरे बिबलियोग्राफी है वो यही है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, और अगर लिटरेचर रिव्यू भी उसमें अवेलेबल है तो मेरा लिटरेचर रिव्यू उस पर इसको इसी तरह सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल बन गया। तो जो आपकी रिसर्च कमेटी होती है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, अच्छा माइक ऑफ रखिएगा, माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो जो आपका रिसर्च कमेटी है तो फिर वो क्या करता है, उसको देखता है कि आया ये जो रिसर्च है ये ड्यूएबल है कि नहीं है, ये फिजिबल है कि नहीं है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है कि सब्जेक्टिविटी है, आया ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च करा है क्वांटिटेटिव रिसर्च करा है, इसके जो रिसर्च टूल है क्या वो ऑब्जेक्टिव के साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं है, इसके जो लिटरेचर रिव्यू है क्या वो सपोर्ट कर रहा है इसी इशू को कि नहीं, आया ये जो इशू है ये इतना ब्रॉड तो नहीं है कि जो रिसर्च के कंट्रोल में ना हो, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्डेंट आप क्लेम कर रहे हो कि मैंने 30 या 35 रिस्पॉन्डेंट को स्टडी करने हैं, तो आया 30 या 40 रिस्पॉन्डेंट को आप के सारी चीजों को वो देख के या तो अप्रूव करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्रपोजल। अच्छा, फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मेट होता है, एक टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज में आपका एक मेन टाइटल होता है, टाइटल क्या है, दिस इज द क्रक्स ऑफ योर स्टडी, दिस इज द मेन पॉइंट्स आर द मेन थीम आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टडी, जो कि आपके स्टडी का मेन कॉन्सेप्ट है जिससे छोटे छोटे आइडियाज निकल रहे हैं उसको हम टाइटल कहते हैं, ठीक है। योर रिसर्च टॉपिक, आपका रिसर्च टॉपिक उसमें होना चाहिए अ क्लियर एंड सक्सेंक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रिसर्च, सक्सेंक्ट कहते हैं मुख्तसर को, यहाँ पर आपने एक मुख्तसर और जामे, एक मुख्तसर और क्लियर एक चीज लिखनी होती है जो कि आपका टाइटल कहलाएगा। देखो टाइटल आपका जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना मॉडर्न होगा, जितना ट्रेंडेबल होगा, ठीक है, तो लोग आपके जो रिसर्च है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे और उसके जो आप अगर पब्लिश भी करते हो तो इजीली किसी भी आर्टिकल किसी भी अच्छे से उसमें जो है वो पब्लिश हो सकता है, ठीक है, इजीली आसानी से। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? सर, ये टाइटल 19 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड पॉइंट, 19 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। जी, अच्छा नेक्स्ट, अच्छा जी, ये देखो क्या है, सिंपल सी चीज है, इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ये हमारा मैं प्रपोजल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन जो है, योर रिसर्च क्वेश्चन एंड फोकस, आपके रिसर्च का क्वेश्चन क्या है, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट यू प्रपोज टू रिसर्च, व्हाई द रिसर्च इज ऑफ वैल्यू एंड हाउ यू प्रपोज टू गो अबाउट इट। इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्टडी, आपकी स्टडी का कोई सिग्निफिकेंस है भी कि नहीं, आप जस्ट रिसर्च कर रहे हो, ऐसा रिसर्च कर रहे हो जिसको बिल्कुल बिल्कुल फायदा ही ना हो तो फिर तो वो रिसर्च इतना वैल्यूएबल नहीं होगा। तो मतलब ये कि आपके सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, और जितनी भी आपके मतलब इंट्रोडक्शन आप जो टर्म्स वगैरह होते हैं उसका, या छोटे छोटे इसमें भी आप इस तरह कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में कमी लोग इस तरह करते हैं कि जो लिटरेचर रिव्यू होते हैं उससे स्मॉल स्मॉल थ्योरिटिकल जो कहते हैं स्मॉल स्मॉल थ्योरीज उठा के हम अपने टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड योर प्रपोजल जो है, योर लिटरेचर रिव्यू
लिटरेचर रिव्यूअर और द रिव्यू ऑफ ऑल द पब्लिश्ड पब्लिश्ड रिलेट पब्लिश्ड अच्छा रिलेटेड प्लीज ऑफ योर मोबाइल ऑफ योर माइक प्लीज। ये चार्ज क्यों आ रहा है? उसकी लगना हालांकि माइक माइक ऑफ होगा किया, माइक प्लीज। द ना रिकॉर्डिंग स्टार्टेड अभी यूट्यूब द परफॉर्मर ऑस्ट्रो नाउ वो रिकॉर्डिंग अच्छा है इज रन वर्क बाय वीडियो कौन तो है, यार तो ये और तभी भी दिखा रहा तो पहले बढ़िया प्रूव कर ले ये अगर फर्स्ट प्लीज वर्क का जाए फ्रेंडली सिर्फ उससे नहीं गुरी दी रिमूव। दिया होगा ना टमाटर अच्छा लो कैसे भी ऐसे दफा फोन तो माइक जा ये और रहा है, तो उसको बना दी बोल रिमूव रहे कर टमाटर ले, रिमूव कर ले। अच्छा तो खोलो ओके दो क्लिप्स में आप इसको रिकॉर्ड हम इसको पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं खैर है फिर इसको अगेन मर्ज कर लूंगा, सच कोई इशू नहीं है। बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च का मतलब ये है कि लिटरेचर रिव्यू है। अच्छा लिटरेचर रिव्यू स्पेसिफिकली एज द पब्लिश्ड वर्क व्हिच इज रिलेटेड टू योर इशू, जितना भी आपका पब्लिश्ड वर्क है तो उसको आप क्या कर सकते हो रिव्यू में अपने इंक्लूड कर सकते हो। तो बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी ये है, ठीक है। अथारो मेंशन आपकी रिसेंट कंट्रीब्यूशंस इन रिसर्च पीरियडिकल्स रिलेटिंग टू द एरियाज ऑफ इन क्वेश्चन। यू शुड यूज द लिटरेचर रिव्यू टू आइडेंटिफाई गैप्स इन आर प्रॉब्लम्स विद एग्जिस्टिंग रिसर्च टू जस्टिफाई व्हाई फर्दर आर न्यू रिसर्च एज रिक्वायर्ड। मतलब ये कि आप इसमें कहते हो कि पलाने इस पर ये रिसर्च क्या है, पलाने ये रिसर्च क्या है, पलाने ये रिसर्च का है क्या है, तो ये जो एरिया है ये मेरा बहुत ज्यादा, सो आई वांट टू डू और आई वांट टू कंडक्ट स्टडी ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक और दिस स्पेसिफिक इशू, ठीक है। फिर आते हैं हम मेथडोलॉजी की तरफ। मेथडोलॉजी में हमारे छोटे छोटे मेथड्स होते हैं, मेथडोलॉजी इज अ कम्बिनेशन ऑफ योर मेथड्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करते हो कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई स्टडी, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली हम इंट्रोडक्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेथडोलॉजी में आपने ये करना है। आप लिखते हो कि मेरे मेरे जो डेटा कलेक्शन टूल्स है वो क्या होंगे, अच्छा मेरा यूनिवर्स क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा, सैम्पलिंग क्या होगी, सैम्पलिंग टेक्निक क्या होगी, ये सारी चीजें आप मेथोडोलॉजी में ही मेंशन करते हो। अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर चॉइस ऑफ मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, मतलब आपने ये भी आप मेंशन करना है कि ये रिसर्च क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है या मिक्स मेथड है, ठीक है। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल स्ट्रेटेजी, अ टाइम स्केड्यूल, मतलब कौन कौन सा टाइम में मैंने कौन कौन सा चैप्टर कवर करना है, मैंने इसी स्पेसिफिक टाइम में आपने एक स्केड्यूल भी तैयार करना है कि मैंने इसी टाइम में डेटा लेना होगा, फिर उसके बाद इसी एक हफ्ते में मैंने उसकी एनालिसिस करनी होगी, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करनी होगी और लास्ट में मैंने कंक्लूजन ड्रा करके एक्सट्रैक्ट लिखनी होगी, ठीक है। शोइंग की एक्टिविटीज वुड बी यूजफुल, ठीक है, मतलब की एक्टिविटीज जो आप कर रहे हो उसको आप यहाँ पर शो करते हो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कर लीजिएगा। ओके रेफरेंसेस लास्ट जो यूर बिब्लियोग्राफी, जहाँ जिस भी सोर्स से आप उठाते हो कोई क्वेश्चन या कोई चीज तो वहां पर आप हवाला देते हो, और वो हवाला आप ज्यादातर हम जो यूज करते हैं एपीए स्टाइल, जिसको कहते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए स्टाइल सिक्स एडिशन और सिक्स सेवन एडिशन, कोई आप लोग अगर फर्दर स्टडी करना चाहो तो फिर आप लोग इसको सर्च कर सकते हो, एपीए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, रेफरेंस किस तरह देनी है और लास्ट में आप लोगों ने बिब्लियोग्राफी किस तरह लिखनी होती है, तो ये चीजें वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। या किसी दिन मैं इस पर एक वीडियो भी शेयर करूंगा, एक क्लिप शेयर कर लूंगा, वो आप लोग वॉच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो एटीट्यूड तो हमने पढ़ा कि एटीट्यूड इज द पर्सनल व्यू ऑफ समवन व्हिच इज अटैच्ड टू द फीलिंग, ठीक है, व्हाइल एप्टीट्यूड टेस्ट डिटरमिन योर पोटेंशियल्स दैट हाउ यू कैन डू इन फ्यूचर, दैट हाउ यू कैन परफॉर्म इन फ्यूचर, ठीक है। एप्टीट्यूड इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर व्हाइल एटीट्यूड इज रिलेटेड टू योर इवेंट्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है इसमें। एप्टीट्यूड टेस्ट भी है इंशाल्लाह, उसको भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी चीज, जिस तरह हम ये गेट टेस्ट और इस तरह के टेस्ट अक्सर देते हैं एमपिल के लिए, तो वो सारे एप्टीट्यूड टेस्ट में ही आते हैं कि फ्यूचर में आप कौन से सब्जेक्ट में जाना चाहते हो, कौन सा, जिस तरह ये मेडिकल का टेस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं एमडीकेट आजकल, वो भी इसी ही एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है, या जिस तरह ये 9 पे अगर स्टूडेंट पहुंचता है तो उनको एक टेस्ट दिया जाता है कि आपने ये टेस्ट सॉल्व करना है कि आया आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के काबिल हो कि नहीं, तो इसकी जो एप्टीट्यूड है और जो स्किल्स है, जो पोटेंशलिटीज है, उसको मेजर करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट।
ओके, रिसर्च रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल आप लोगों के जितने भी आप लोगों के साथ रिपोर्ट्स है तो आप लोग उसको प्रैक्टिकली देखो, आप उसको बिल्कुल उसको रट्ठा करना है, उसमें एक एक वर्ड आप लोगों ने रट्ठा करना है, हो सकता है एमपील की थीज में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। अच्छा, इसके तीन सेक्शन है, प्रिलिमिनरी सेक्शन, मेन बॉडी एंड अपेंडिसेस, जिसको हम ये बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिलिमिनरी सेक्शन जो है इसमें हमारे पास फर्स्ट जो आता है इट इंक्लूड्स टाइटल पेज, फिर आता है डिक्लेरेशन पेज, फिर आता है सर्टिफिकेट, फिर आता है डेडिकेशन, फिर आता है अप्रूवल शीट, फिर आता है एक्नॉलेजमेंट, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्रोनिम्स, ठीक है, इजी है। इसमें टाइटल पेज हमने पढ़ा, तो इसमें एक टाइटल होता है आपके, तो उसका आपके स्टडी का डिक्लेरेशन क्या है, आप डिक्लेयर करते हो कि आई डिस रिसर्च टू माई पेरेंट्स और समवन एल्स, ठीक है, किस जिसको भी आप लोग डिक्लेयर करना चाहो, ठीक है। अच्छा, फिर सर्टिफिकेट, अच्छा डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट तो हो गया, डेडिकेशन, अच्छा सॉरी डेडिकेशन जो है उसमें आप डेडिकेट करते हो, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में आप लोग सुपरवाइजर का नाम होता है और चीजें भी होती है जिसको आप लोग डिक्लेयर करते हो, ठीक है। अच्छा, अप्रूवल शीट भी आप लोग का एक ऐसा चीज होता है जिसमें कमेटी के नाम होते हैं, उससे आप लोगों ने अप्रूवल करनी होती है। एक्नॉलेजमेंट आप लोग एक्नॉलेज करते हो किसको, उसमें एक शॉर्ट सा उसमें वो होता है, ये ऑप्शनल चीज है, ठीक है। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट जो आप लोगों ने पढ़ाना है वो कौन से पेज पर कौन सी चीजें मौजूद है, इसको टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। लिस्ट ऑफ टेबल्स कौन से टेबल्स है और कहाँ कहाँ पर मौजूद है, यही भी आप देते हो कि फॉर एग्जाम्पल आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हो तो उसमें ज्यादातर जो चीजें होती है वो टेबल फॉर्म में होती है या ग्राफ्स, तो टेबल और ग्राफ जब आप लोग वहाँ पर अपने जो एनालिसिस है उसमें मेंशन करते हो तो यहाँ पर आप नंबर देते हो कि इसी पेज पे यही चीज मेंशन है, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज द क्रक्स योर स्टडी, ठीक है, जो मेन मेन मोटे मोटे पॉइंट बिल्कुल खुलासा जो आप लोग बनाते सबसे आखिर हो लेकिन पुट करते सबसे पहले हो, जब आप किसी का रिसर्च उठाते हो तो सबसे पहला जो आपको मिलेगा पेज वो एब्स्ट्रैक्ट का ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा पार्ट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो बनता तो बिल्कुल लास्ट में है लेकिन रिसर्च में आप लोगों का जो कॉपी होती है उसमें सबसे पहले ही मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, एक्रोनिम्स आप लोगों ने अगर कोई इब्रिवेशन वगैरह यूज किए हैं तो उसको आप यहाँ पर यूज करते हो, ठीक है। अच्छा, मेन बॉडी में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन बॉडी जो है इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन है, अच्छा सॉरी, इंट्रोडक्शन में आप लोग स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, और इसके साथ ये चीजें आप लोग इंट्रोडक्शन में ही ऐड डालते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी और हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी, सारी चीजें इंट्रोडक्शन में मेंशन होती है। चैप्टर नंबर दो लिटरेचर रिव्यू, मैंने पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया। चैप्टर नंबर थ्री जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये भी वही चीज है। चैप्टर नंबर फोर डेटा एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर फोर में आप लोग डेटा एनालिसिस करते हो, बस ठीक है। डेटा एनालिसिस मीन कि आप लोग जो डेटा आप लोगों ने लिया है उसको आप ब्रेक डाउन करते हो स्मॉल स्मॉल थीम्स में, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो आप लोग क्वालिटेटिव मतलब सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करोगे, कोडिंग यूज करोगे, और अगर क्वांटिटेटिव है तो आप लोगों ने या कोई और अच्छी सी एक्सेल वगैरह आप लोगों ने यूज करनी है, ठीक है। फिर कंक्लूजन और रिकमेंडेशन के मतलब इस रिसर्च के बेस पे मैं ये कंक्लूड करता हूँ और ये मेरी रिकमेंडेशन है, ठीक है। अपेंडिसेस जो है ये सप्लीमेंट्री पार्ट है, मतलब ये भी एडिशनली पार्ट है, बिबलियोग्राफी इसमें होती है, रेफरेंसेस इसमें होते हैं, अपेंडिसेस होते हैं, और इंडेक्सेस और इंडिसाइसेस होते हैं, मतलब ये सारे वही चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बुक से कोई चीज उठाते हो तो उसमें कहाँ पर पिट करनी है, अगर आप किसी आर्टिकल से उठाते हो तो वो कहाँ पर पिट करनी है, अगर आप लोग किसी यूट्यूब वगैरह से उठाते हो, कोई वीडियो भी उठा सकते हो जिसकी मीनिंग आप लोग कर सकते हो वो भी आप लोगों ने कहाँ पर मेंशन करनी है, तो ये सारी चीजें हमारे आ जाती है अपेंडाइसिस और बिब्लियोग्राफी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, टाइम इतना नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम थॉरली गोइंग, ठीक है। अच्छा, दो स्केल और भी है जो ये मैंने थोड़े बाद में ऐड किए हैं, एक है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या है, जिस तरह आप लोग कोई एप्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, जिस तरह अभी हम ये जूम का ऐप यूज करते हैं, तो कभी कभी जब हम इसको ऑफ करते हैं, लीव मीटिंग हम करते हैं, तो वहां पर स्टार आ जाते हैं, वो स्टार क्या होते हैं, आप लोग रेटिंग करते हो, या तो 2 स्टार देते हो या 3 स्टार देते हो, दिस इज योर रेटिंग,
ठीक है, तो इसको हम रेटिंग कहते हैं। रेटिंग स्केल इज अ क्लोज्ड इन सर्वे क्वेश्चन, ये एक सर्वे क्वेश्चन होता है। वो जो कंपनी वाले होते हैं जिनका ये प्रोडक्ट होता है, तो वो सर्वे करते हैं कि ये लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं पसंद कर रहे हैं, कितने स्टार दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट हाउ सर्वे रिस्पोंडर्स फील अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और स्टेटमेंट। ठीक है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए, इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। और इवैल्यूएट हम इसलिए करते हैं टू जज द वैल्यू वर्थ एंड एनी प्रोडक्ट आर एनीथिंग। ठीक है, अच्छा, रिस्पोंडर्स आर टिपिकली आस्क्ड टू चूज फ्रॉम अ रेंज ऑफ ऑप्शन, बहुत से ऑप्शन दिए हुए होते हैं, जिस तरह इमोजी हम जिसको कहते हैं, बहुत से इमोजी दिए गए होते हैं, एक इमोजी को आप लोगों ने उसको टिक करना होता है, तो उसको हम रेटिंग स्केल कहते हैं। व्हिच आर स्केल बिटवीन टू एक्सट्रीम्स लाइक एक्सीलेंट टू टेरेबल, इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, चीक लिस्ट इज द लिस्ट which shows the missing or the presence of any document or any behavior. ठीक है, इसको आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हो। चीक लिस्ट इज अ लिस्ट which determines the presence or the absence of any document or behavior. जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो या किसी चीज के लिए जाते हो, तो आप लोग क्या करते हो, चीक लिस्ट बनाते हो कि मैंने ये चीजें ले जानी है। तो आप लोग क्या करते हो कि जस्ट एक एक चीज को क्लिक करके उसको उठाते हो, फिर उसको टिक मार्क करते हो कि मैंने ठीक है डीएमसी उठा ली, फिर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उठा लिए, फिर मैंने अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स उठा लिए, ये सारी चीजें एक एक को आप लोग टिक मार्क करते हो। ये इसलिए होते हैं कि जो आपका फॉरगॉटन है, मतलब जो आप भूल जाते हो, वो आपसे चीजें भूले नहीं, मतलब आपकी जो याददाश्त है उसको तेज करने के लिए टाइप ऑफ एक लिस्ट है। ठीक है, अच्छी लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स दैट यू नीड टू डू, इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू फाइंड आउट, आर थिंग दैट यू नीड टू टेक समवेयर व्हिच यू मेक इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट यू डू नॉट फॉरगॉट एनीथिंग। सही बड़ी चीज। अच्छा, इसके साथ हमारा जो ये रिसर्च का चैप्टर है बलाग, ये क्लोज हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिएगा रिजवान भाई, और इंशाल्लाह आगे जो हम जा रहे हैं स्पेसिफिकली